दिखाने वाला है? क्या इस मुकाबले में मुकेश देसाई अपना जोहर दिखाने वाला है? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसको ऊपर नीचे करो मुकेश। डिफेंडर बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पर रेडिंग में भी कमाल कर रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग को प्लीज शेयर करते रहिए और ये मुकेश की पकड़ एक अंक और स्कोर किया और अपनी टीम को महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया है। इस मुकाबले में मुकेश देसाई के ऊपर हिम्मत नहीं जिता पा रहा है कांटों का डिफेंड। अभी तक तो मैंने नहीं जाना यहाँ पर मुकेश देसाई यानी पार्टी ने रविंदर है इस समय रेट पे और बढ़िया बढ़िया मार रहे हैं। अब कांटों का डिफेंस फिर से सेट है। बढ़िया खिलाड़ी है क्या वो जल्दी क्या भारी पड़ेगी आंकड़ा भी यहाँ पर बढ़ता हुआ। आप सभी लोगों से शेयर करते जाइए क्योंकि कबड्डी का जो असली मजा है वो टाइटल है। हम कांटों को इस रेड में रचिन आपका स्कोर कर पाएंगे करो या मरो की स्थिति है रचिन के लिए। चार के डिफेंस में आपको बहुत टीम के जो कैप्टन है उनकी निगाह रहेगी क्योंकि हमें खबर मिली थी जब राय चला था कि रचिन शायद फिट नहीं है। रचित बढ़िया खिलाड़ी हैं और फिट नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि रचित थोड़े से आए हैं रेड करने के ओ यार तरीका देखिए सुपर डुपर रेडी शाबाश मुकेश देसाई और यहाँ पर टाइम आउट भी मांगा जा रहा है। सुपर डुपर रेड बाय मुकेश देसाई आप देख सकते हैं सुपर डुपर रेड है। मुकेश देसाई को रेड जिसने इस मैच का दौड़ता हारा बढ़िया मुकाबला चलता हुआ आप देख सकते हैं। बढ़िया मुकाबला और इस समय सोहन पांडा का आप एंकल होल्ड देख सकते हैं। अरे क्या बात है सोहन पांडा कमाल कर दिया आपने। और मुकेश देसाई वंस अगेन जैसा पहले हुआ क्या वो दोहराया जा सकता है? लेकिन इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल क्योंकि उस टाइम उस समय मुकेश देसाई स्लिप हुए थे पांव स्लिप हो गया था इनका।